इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रही हैं, और आपने एक ऐसा सोच रखी कि आप कथक करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगी। ये एक ट्रेडिशनल या कह लीजिए कि एक क्लासिकल थीम है। क्या लगता है आपको कि आपने जो चीज़ चुनी है, कहीं आपने कोई गलत फैसला तो नहीं किया है? नहीं, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। हाँ, अगर कोई और डांस करना होता, फोक डांस करना होता या थोड़ा बॉलीवुड करना होता तो इट्स वुड बी इजी, लेकिन क्लासिकल चूँकि खुद में एक कठिन फॉर्म है, मैंने कथक चुना है। कथक में टुकड़ा तोड़ा, लड़ी वगैरह का और चक्कर का काम बहुत होता है, तो इन सब को संभालते हुए मैंने कथक का ही साथ दिया। और मुझे लगा कि मेरा ये बचपन से सीखा हुआ चीज़ है तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी, और अभी जो मैं करने वाली भी हूँ उसमें मैंने कथक के फॉर्म होते हैं बहुत सारे, जिसमें वंदना, ठुमरी, दादरा, कजरी और भी चीज़ें हैं, तो मैं यही सब करूँगी टुकड़ा तोड़ा के साथ। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सोचा? आज तक किसी ने भी काशी से गिनीज बुक ऑफ के बारे में नहीं सोचा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गई, गिनीज बुक के लिए कुछ नहीं गया, पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब 19 तारीख का 1 बजे बीत जाएगा। और रही रिकॉर्ड की बात, तो रिकॉर्ड बनने के लिए और तोड़ने के लिए होते हैं, ये बात है यहाँ पे मेरे साथ जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा का और मेरे गुरु की प्रतिष्ठा का। आप तो हरियाणा में जॉब कर रही थी, जॉब के बाद जब आप कम बैक हुई वापस आई, तो उस वक्त आपको क्या दिक्कत आई वापस से कथक में लौटने के लिए, क्या दिक्कत? जहाँ पे मैं थी वहाँ पे एज अ PGT मैं कथक डांस टीचर ही थी, तो वहाँ पे कथक के अलावा भी मुझे और भी फॉर्म कराना होता था बच्चों को, तो मेरा ड्यूटी टाइम बहुत ज़्यादा था और मैं ज़्यादातर अपने डांस डिपार्टमेंट में ही बिताती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एक आप खुद के लिए जो मेहनत करो और आप किसी और के लिए करो, काम तो करती थी लेकिन अपनी तैयारी नहीं हो पाती थी। मैंने बहुत सी चीज़ कोरियोग्राफी की, क्रिएट किया, लेकिन अपना पोर्शन कहीं ना कहीं वो वीक हो रहा था और अंदर से हमेशा लगता था नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट से दूर हो रही हूँ। वो एक जो घबराहट होती थी ना, और एट लास्ट मैंने फाइनल किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लक्ष्य को पाकर रहूँगी, और फिर वहाँ से निकल आई मैं। विजुअल बनाना है कुछ फैमिली के साथ।